नमस्कार और प्रकाश अकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम नीट 2020 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल एल बाय एल। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे मास दिया हुआ है, तो एम इंटू जी हमारा फोर्स हो जाएगा, एरिया वही रह जाएगा। फाइनल लेंथ एल वन है, सो एल वन माइनस एल क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ, और इनिशियल लेंथ एल हो जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो एम जी बाई ए डेल्टा एल की जगह पे एल वन माइनस एल बाई एल, सो ये हो जाएगा एम जी बाई ए एल वन माइनस एल और एल, ये हो जाएगा हमारा यूरेनियम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास गिवन है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमने इसको एक न्यूट्रॉन से बॉम्बार्ड करा है, तो अब जानते हैं न्यूट्रॉन की चार्ज जीरो होती है और मास वन होता है, तो ये टोटल मास ऐड होकर कितना हो जाएगा? 236। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बॉम्बार्ड के बाद इसने 36 एटॉमिक नंबर का और 89 एटॉमिक मास का अनदर एलिमेंट जनरेट किया, और साथ में तीन न्यूट्रॉन्स को जनरेट किया। तो अब रेस्ट क्या बचेगा? तो अब खुद देख लीजिए, जब थ्री न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे तो नया मास क्या हो जाएगा? 89 प्लस 3 92, सो 236 माइनस 92 कितना हो जाएगा? 144। और 92 माइनस 36 कितना हो जाएगा? 56। सो ये हो जाएगा बी ए 56 144, ऑप्शन नंबर 4। तो ये लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन जेई मेंस में भी आया था, बस यहाँ पे और गेट ज्वाइन किया है, वहाँ पे एंड गेट ज्वाइन किया था, इस गेट की जगह पे वहाँ पे एंड गेट ज्वाइन था। तो आइए सबसे पहले इनपुट्स आउटपुट। तो अगर दोनों इनपुट जीरो होगी तो ये जीरो इस नॉट गेट से क्रॉस करते वन हो जाएगा, और ये भी जीरो नॉट गेट से क्रॉस करते वन हो जाएगा। तो वन एंड वन और गेट में वन हो जाएगा, और अगेन यहाँ पे नॉट गेट क्रॉस करते जीरो हो जाएगा। सेकंड सिचुएशन देखिए, ए जीरो है यहाँ पे वन होगा, बी वन है यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? बी जीरो हो जाएगा। तो वन एंड जीरो और गेट है तो क्या होगा? वन होगा, बट इसके बाद नॉट गेट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो थर्ड सिचुएशन में भी केस वैसा ही बनेगा। अब फोर्थ सिचुएशन देखिए, ये वन यहाँ पे आके दोनों जीरो, और जीरो और जीरो जीरो, और जब जीरो नॉट गेट को क्रॉस करेगा तो वन, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रुथ टेबल, ऑप्शन नंबर 4। तो ये पुल्ली से क्वेश्चन है, एक पुल्ली है, ये मास है 6 kg, ये मास है 4 kg। हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है पूरे सिस्टम का। सो आप जानते हैं एक्सेलरेशन के लिए ये फोर्स क्या हो जाएगा? 6g, और ये हो जाएगा 4g, राइट? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ई वन माइनस ई टू
डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, तो 2g/10 ऑप्शन नंबर 2। तो 20 मीटर पर सेकंड से टॉप ऑफ टायर से बॉल को ड्रॉप किया, जब बॉल ने ग्राउंड को टच किया तो उसकी स्पीड हो गई 80 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा फाइनल स्पीड, ये 20 मीटर इनिशियल स्पीड। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करनी है और जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। तो आप लोग जानते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो बी स्क्वायर कितनी हो जाएगी 80 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 2g इंटू एस, तो 6400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 20, सो फाइनली 6000/20 300 मीटर, तो फोर्स हो जाएगा ML T-2 और एरिया हो जाएगा L2, सो फाइनली ML-1 T-2। पार्टिकल की मास है 10 kg और दोनों के बीच की डिस्टेंस है और जिस स्ट्रिंग से ये कनेक्टेड है उसकी लेंथ है 1 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है और 5 kg वाले साइड से हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली जनरल कैलकुलेशन है। तो आप देख सकते हैं मास की रेशियो 1:2 है, सो जब मास की रेशियो 1:2 है तो टोटल लेंथ 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3 अप्रॉक्स 33 सेंटीमीटर आएगा। तो अब जानते हैं कि ज़्यादा मास के साइड में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, तो 10 केजी से 33 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, तो 5 केजी से कितना शिफ्ट होगा 67 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2। कनेक्ट होता है लेफ्ट गैप ओपे मीटर ब्रिज से, तो हमने यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड के मीटर ब्रिज से और राइट साइड की जो रेसिस्टेंस है वो 10 ओम की है। ओके, इधर कहीं बैलेंसिंग होगा। अब 3:2 रेशियो की डिवीजन है इसकी, तो जब 3:2 रेशियो की डिवीजन है तो आप देख सकते हैं इस 2 रेशियो में तो 10 ओम आ रहा है, तो जब 2 रेशियो में 10 ओम आ रहा है तो 1 क्या हो जाएगा 10/2 5, तो 3 पार्ट में क्या होगा 3×5 15, मीन्स ये रेसिस्टेंस हो जाएगा 15 ओम। अब क्या कह रहा है, ये रेसिस्टेंस एक्चुअली बैलेंस है 1.5 मीटर के लेंथ से, तो जब 15 ओम बैलेंस है 1.5 मीटर के लेंथ से तो 1 ओम कितना बैलेंस होगा 1.5 डिवाइडेड बाय 15 दैट विल बी 0.1 मीटर, हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2 मीटर। तो अब जानते हैं फॉर्मूला ऑफ टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ओके, तो हम इसको लिखेंगे 2k×3j, सो i j k, तो k×j क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, तो k×j माइनस i होगा, तो माइनस 6 i न्यूटन मीटर।